तो सर हम एक रिहर्सल कर लें? हाँ हाँ करो, ठीक है। तो मिस्टर मनोज आर यू रेडी? आई एम रेडी, कम ऑन। ठीक है, तो जरा आप टायर उठा के दिखाइए। ओके फाइन, देखिए आप जरा पोजीशन, हाँ, थोड़ा थोड़ा और ऊपर लीजिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसके इधर आइए, आगे आइए। नहीं नहीं, और थोड़ा ऊपर देखिए आप। अच्छा ठीक है, थोड़ा और सीधे खड़े हो रही है। अच्छा ये पोजीशन ठीक है, थोड़ा सा आगे आइए। वेरी गुड, थोड़ा मैचो मैचो लुक सर। ठीक है सर, स्टॉप इट, वन मिनट। क्या हुआ सर? मनोज कहाँ है? ये है मनोज सर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर। सर ये मनोज सर, ये मनोज, मैं नहीं हूँ मैं, मुझे सिर्फ मनोज की आवाज आ रही है। सर क्या मजाक कर रहे हैं सर? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मनोज दिखाई नहीं दे रहा। ये जो कुछ नए टेस्ट और एक्सरेज हमने कराए, उनकी रिपोर्ट्स सब कुछ क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर डॉक्टर मुझे मनोज दिखाई क्यों नहीं दिया? उसकी आवाज तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो खुद नजर नहीं आ रहा था। मैंने आपके आंखों की जांच कर ली है, कहीं कोई खराबी नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा काम का बोझ, मानसिक तनाव। रघु जी आपके दिमाग को आराम की जरूरत है। यही तो मैं भी इनसे कहती हूँ। पनवेल में मेरे डैडी का घर है, एकदम शांत जगह है। मैंने तो आज उनको फोन पर कह भी दिया है कि हम लोग कुछ दिन के लिए उनके पास रहने के लिए आ रहे हैं। रघु साहब आप मेरी मानिए तो आज ही चले जाइए, 10-15 दिन आराम कर लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग कमाल करते हो, मेरी फिल्म शूटिंग का क्या होगा, डेडलाइन का क्या होगा? अगर 2 दिन के अंदर ये एड फिल्म मैंने कंप्लीट नहीं की तो जानते हो क्या हो जाएगा? रघु मैंने तुम्हारे प्रोड्यूसर से बात कर ली है, वो बोलते हैं कि फिल्म की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो किसी दूसरे डायरेक्टर को लेकर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये एक्सीडेंट के बाद सर को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है थोड़े से पागल हो गए वो। अब कह रहा था कि आप उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है ना पागलपन की बात। मैं भी ये सोच रहा था कि ये क्या हो गया उन्हें। मेरी समझ में आया कि उस दिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। क्या मतलब? उसका उस दिन मुझे दिखाई नहीं देना इस बात का संकेत था कि वो मरने वाला है। ये सब बचकानी बातें हैं, उसकी मौत महज एक इत्तेफाक है, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बस। नहीं मामा नहीं, कुछ भी हो लेकिन मुझे सेट में जाके देखना पड़ेगा बात क्या है। बिल्कुल नहीं, सारी पैकिंग हो चुकी है, हम लोग अभी जाएंगे पनवेल अपने डैडी के घर। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, बिल्कुल शांत जगह है, आराम के लिए एकदम परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं, मजे से खाओ पियो ऐश करो। शाम को अभी भी थोड़ी लेते हो ना? हाँ जी पापा। हाँ गुड गुड गुड, ये अचार लो, इट्स वेरी टेस्टी, कल ही मैंने सूरत से मंगवाया है। हाँ अरे ले लो भाई, सूरत का है। हाँ अरे हाँ जरा सैलेड दे दो रघु बेटे, अरे भाई सैलेड दो, सैलेड तो पापा को। हाँ मैं तो यहाँ हूँ रघु, वहां नहीं, यहाँ हूँ मैं रघु, मुझे दे दो यहाँ हाथ में दे दो, और वहां कहा मुझे, मैं तो यहाँ हूँ रघु। I'm sorry. ना हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मामा,
पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, शायद मुझे आराम की जरूरत है। मैं रूम में जा रहा हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज टेक केयर। हाँ इसकी दिमागी हालत अभी तक कुछ ठीक नहीं है। ये अचार लो, आज इट्स वेरी टेस्टी, कल ही मैंने सूरत से मंगवाया। अरे हाँ जरा सैलेड दे दो रघु बेटी। अरे मैं तो यहाँ हूँ रघु, वहां नहीं। हाँ हूँ मैं रघु। मनोज की तरह वो भी कहीं आपका वहम है। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा विश्वास करो डॉक्टर, जब से यह हादसा हुआ है मैं अपनी आंखों में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। ओह नो, मैंने कहा ना कि यह सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। वहम? माना कि यह मनोज के केस में एक वहम था, बट व्हाट अबाउट माय फादर इन लॉज केस? आपके फादर के केस में क्या हुआ डॉक्टर? ये बस एक इत्तफाक है, साइंस इन बातों को नहीं मानता। तुम्हारी साइंस से कुछ नहीं लेना देना। प्लीज हेल्प मी डॉक्टर इफ यू कैन। तुम नहीं समझ पाओगे जिस मानसिक पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे ये शक्ति, प्लीज नहीं चाहिए ये शक्ति जिसमें कि मुझे दूसरों की मौत का पूरा आभास हो जाए। आई एम सॉरी, लेकिन खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? रघु जी इन आंखों से अब किसी को नहीं देखूंगा, किसी को भी नहीं रघु जी, किसी को भी नहीं देखूंगा। रघु जी प्लीज, रघु जी उसके बाद आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। आपकी कहानी तो मेरी कहानी से भी अद्भुत है। सिर्फ कहानी, दिमाग की उड़ान। क्या कहना चाहते हो तुम? आप तो डायरेक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? Am I lying? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप कहानी अच्छी बना लेते हो। अभी तो सिर्फ भवानी बच गया है। भवानी, अगर तुम्हारे पास भी कोई कहानी हो तो बता दो। नहीं साहब, मेरे पास कोई कहानी नहीं। बेवकूफ आदमी, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई हादसा पेश आए तुम अपने आप सब समझ जाओगे। अगर तुम सच कह रहे हो तो साबित करके दिखाओ। साबित करके? लेकिन कैसे? अपनी आंखों की पट्टी उतार दीजिए। लेकिन मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि ये पट्टी मैं किसी के सामने नहीं खोलूंगा। नहीं तो मान लो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं प्लीज, मुझसे मत हो, ये तो पागल है। मां, तुम
देख रही हो, ये मुझे झूठा कह रहा है और ये साबित करने के लिए कि मैं झूठा नहीं हूं, मुझे आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। शट अप! ये देखना चाहता है इस काली पट्टी के पीछे क्या है। मैं इसे दिखाऊंगा पापा, मैं इसे दिखाऊंगा। निकालो, इसे दिखाऊंगा, इसे दिखाऊंगा। इन दोनों की आवाज तो आ रही है लेकिन ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यही जगह है, गाड़ी भी खड़ी है, मतलब मधुमति बंगला आसपास ही है। क्या कहा, मैं नहीं दिखा देता? हमें देख नहीं पा रहे हैं हम। नहीं मामा, इनसे कह दो इनकी सिर्फ आवाज आ रही है मुझे, मैं इनको देख नहीं पा रहा, ये बहुत जल्दी मरने वाले हैं। झूठ, ये फिर झूठ बोल रहा है। मैंने इसके आंखों की पट्टी उतरवा दी इसलिए मुझे डरा रहा है। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत जल्दी मरने वाले हो, बहुत जल्दी मर जाओगे। हाँ पापा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे ये लोग, बहुत जल्दी मर जाएंगे ये लोग। टैक्सी आ गई, अब हमें इस नल से छुटकारा मिल जाएगा। चलो नीता, चलो। ओ, ये तो वही आदमी है। आदमी? क्या हुआ उस आदमी को? वो हॉस्पिटल वाला बॉड बॉय। टैक्सी नंबर 9 लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये तुम इन सबको बताओ कि तुम मुझे हॉस्पिटल में मिले थे, बताओ। मैंने आज से पहले कभी आपको देखा ही नहीं, मैं सिर्फ टैक्सी चलाता हूँ। दो लोग पहले से ही टैक्सी में बैठे हुए हैं, रास्ते में और कई बारिश की वजह से फंसे हुए हैं, जगह बहुत कम है, जल्दी कीजिए वरना। जगह बहुत कम है, नंबर 9 टैक्सी नंबर 9, ये तो वही आदमी है। बंद करो ये बकवास, लोगों के चक्कर में आया तो मैं भी यहाँ फंस जाऊंगा। मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ। नीता तुम चल रही हो मेरे साथ? नीता मत जाना, तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है। नीता, प्लीज डोंट गो, प्लीज नीता रुको। मैं नहीं जाऊंगी। इसकी बातों में आकर अपने बीमार डैडी को भी भूल जाओगी। मेरे डैडी, मुझे जाना पड़ेगा। मामा, मामा इसे रोको, इसे कह दो कि ये बाहर गई तो जिंदा नहीं बचेगी। प्लीज रुको, प्लीज नीता डोंट गो, प्लीज। तुम इसकी बात मत सुनो, जल्दी फैसला करो, मैं जा रहा हूँ, तुम चल रही हो, चलो। बेवकूफ कहीं के, बहुत जल्द उनकी मौत अपने जंगल में उन्हें दबोच लेगी। आप अपनी बात बड़े विश्वास से कहते हैं कि मेरा काम कभी गलत नहीं। शायद आपका कहां सच हो गया। कोई फायदा नहीं मामा, मैंने तो बहुत मना किया था लेकिन उनकी मौत को अपनी ओर खींच के लेगी। टैक्सी का लाइट आपने सब लोगों को दिखाई दिया साहब? टैक्सी स्टार्ट ही नहीं रही थी, शायद बैटरी फेल हो गई थी, सब लोग बोनट में देखने लगे तो वो दोनों खत्म हो गए। मैं मर रहा नहीं हूँ, मैंने उसको गलत साबित कर दिया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो दोनों बेवकूफ थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जिसकी कीमत
उनको अपनी जान देके चुकानी पड़ी। पता नहीं क्या, मैं जिस चीज को नहीं देख पाऊंगा वो ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा मामा। रिलैक्स बेबू, रिलैक्स, जो होना था सो हो गया, अब टेंशन लेकर क्या फायदा। ठीक कहती हो मामा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या हुआ, क्या हुआ रघु, रघु क्या हुआ, रघु रघु क्या हुआ? मेरी जरा तबीयत खराब हो रही है, रात काफी हो गई है, कुछ देर आराम कर लीजिए। ऊपर मालिक और मालकिन का कमरा है, वहां चलकर सो जाइए। आप भी चल रही है ना मेम साहब? वो तुम लोग चलो, मैं भी सामान लेकर आती हूँ। चलिए साहब, मैं आपको कमरा दिखा दूँ। मैं जानता हूँ आपने क्या देखा। क्या मतलब? मेम साहब आपको नहीं दिखाई दी ना? तुम्हें कैसे पता? कोई दिखाई नहीं देगा। ये क्या बकवास है? आप नहीं समझेंगे। चलिए तुम जाओ, कमरा में खुद ढूंढूंगा। ठीक है, मैं मेम साहब को देखता हूँ। मैं जिस चीज को नहीं देख पाऊंगा ऐसी पर जाएगा। मेरी बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बाबा को। लेकिन अब तक तो ये सब सही साबित हुआ, इसका मतलब है मेरी मामा भी मर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा हुआ है, मामा को कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे अपना ध्यान कहीं और करना चाहिए। हाँ, हाँ, पेपर पढ़ता हूँ। ऑटोमेटिक बम में एक परिवार के चार सदस्यों की हत्या। नहीं, नहीं। वॉचमैन ने अपराध स्वीकार किया, हत्या कुल्हाड़ी से हुई थी। नहीं, वॉचमैन को नासिक जेल में फांसी, ये तो भवानी है। नहीं, महल तुम्हारी भूत नहीं हो सकता, वो जिंदा है, वो इस बंगले का चौकीदार है। हाँ, मैं हूँ इस बंगले का चौकीदार, इस खुलाड़ी की धार अपना वार कभी खाली जाने नहीं देंगे। वामा, वामा का काम तो मैंने पहले ही तमाम कर दिया है। यही ठीक रहेगा, दरवाजा अच्छी तरह लॉक करो। अब देखो वो कैसे आएगा। अब नहीं मुझे पकड़ सकता। मैं अपने आप को देख क्यों नहीं पा रहा? इसका मतलब नहीं, मरने वाला नहीं। Oh my God, तुम इस बंगले में हमेशा रहो। और मैं इस बंगले का चौकीदार।